हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं दिलनशी आरज़ू। इस वीडियो में फिर से मुलाकात हो रही है आप लोगों से, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जामिया जब आएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें लेकर आनी हैं, इससे रिलेटेड एक वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या लाना है क्या नहीं लाना है। तो हम जानेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है जो आपको लानी चाहिए, और क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं लानी चाहिए, बहुत ज़्यादा बोरा भर के लेकर आ रहे हैं वो रिक्वायर्ड नहीं हो। तो चलिए बेसिकली जानते हैं जामिया क्या क्या चीज़ें लिखती है, क्या क्या चीज़ें हमें बताती है जो लेकर आना चाहिए। सबसे पहले है आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर आना है, जिसको छोड़ना नहीं है आपको। किसी सूरत आप छोड़ के आएंगे, आप एडमिट कार्ड ही लेकर आए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं लेकर आना है। बहुत बच्चे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आते हैं, सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर आना है। और एडमिट कार्ड सिर्फ आपका ब्लैक एंड वाइट में भी होगा तो चलेगा, उसको ज़रूरी नहीं है आप कलर फोटोकॉपी कराएं या कलर प्रिंट आउट निकालें, उसको ज़रूरी नहीं है। सेकेंड है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके होने ही चाहिए आपके साथ, क्योंकि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आपके रीसेंट वाले हो सबसे बेस्ट है, जो रीसेंट का हो। अगर नहीं है तो आपने जो अपलोड किया था अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उसी को अगर आप निकलवा लेते हैं वापस से तो वो भी चलेगा। उसके बाद ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेकर आना है आपको। जेल पेन नहीं लेकर आना है, जेल पेन से आप ही का नुकसान है। OMR शीट में अगर पानी गिर गया तो सारा आपका किया धरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में से है वो है आप आधार कार्ड लेकर आइए। आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड लेकर आइए। पैन कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस है वो लेकर आइए, या फिर आपके पास जो भी है डिजी लॉकर से रिलेटेड। अगर डिजी लॉकर तो वैसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बट आपके पास जो भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है वो लेकर आइए। बहुत बच्चे आधार कार्ड से भी रिलेटेड पूछते हैं कि मेरा आधार कार्ड खो गया है तो मैं क्या करूं। अभी भी आपके पास टाइम है, आप जाकर के अपने नियरेस्ट आधार सेंटर से अपना आधार कार्ड वापस से निकलवा सकते हैं, और नहीं तो फेक का भी बहुत सारा आइडिया होता है कि आप उसको कर सकते हैं, बट उस आइडिया को मैं यहाँ बता नहीं सकती। इसके अलावा आप अपने साथ, अगर जो बच्चे दूर से आ रहे हैं वो बच्चे अपने साथ बैग भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे कुछ सामान लेकर आते हैं, चाहे वाटर बॉटल हो। वाटर बॉटल तो अलाउड होता है, बट उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आप मन पैसे लेकर आते हैं, वॉलेट लेकर आते हैं, जो भी चीज़ें, उसके लिए आप बैग ला सकते हैं। सेंटर पर रखने की अवेलेबिलिटी होती है। उसके बाद अगर बात करें वाटर बॉटल की तो वो एक्सेसिबल है, वो ला सकते हैं। रही बात वॉचेस की, तो बहुत बच्चे पूछते हैं कि वॉल पे क्लॉक नहीं होता तो हम क्या करें। आप एनालॉग वॉच ला सकते हैं, डिजिटल इज़ नॉट अलाउड। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो, स्मार्ट वॉच हो, डिजिटल वॉच हो, कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनालॉग वॉच अलाउड है। अगर बच्चों के दिमाग में ये डाउट है कि हम कुछ पहन कर आ सकते हैं या नहीं, आप नेसेसरी अगर रिक्वायर्ड आपको लग रहा है कि आप इयर रिंग पहन कर आ रहे हैं, नोज़ पिन पहन कर आ रहे हैं, रबर बैंड लगा कर आ रहे हैं, तो ये कर सकते हैं। CUET या फिर नीट JEE का इन सबका एग्ज़ाम नहीं है कि आप ये सारी चीज़ों के लिए अलाउड नहीं है। इसके अलावा अगर जो नेसेसरी चीज़ है वो आपके बैग में है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, क्या चीज़ें लानी है क्या चीज़ें नहीं लानी है उससे रिलेटेड। अगर कुछ छूट गया है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको उसके अलावा भी आप कमेंट सेक्शन में अगर कम्फर्टेबल नहीं है तो आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चाहे आप हो या आपके जानने वालों में से जो भी एंट्रेंस दे रहे हैं उनसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।